अपने जमीन अपने गहने सब दे के उस तो बाद इस सिस्टर का बेटा 6 महीने तो ही उस जगह ते कोई उसनु काम नहीं मिल रहा क्योंकि उस जगह ते काम ही बंद हो चुका सी और 6 महीने तो इन्हां दा बेटा उस जगह ते वेला सी जो भी इस जगह तो ये पैसे उस बेटे नु पा रहे सी और उस जगह ते वो रह रहा सी और उहदे नाल जिन्ने भी ब्रदर गए वो सब वापस आ चुके सी पर इसदा इस ब्रदर दा इस सिस्टर दा वो जो बेटा सी वो उस जगह ते अड़ा रहा और इस सिस्टर नु हमदा चर्च बारे किसी ने दसिया और 13 अगस्त 2023 नु इस सिस्टर पहली बारी हमदा चर्च विच आए और वाइट कार्ड इस सिस्टर ने अपने बेटे के नाम दुते बनाया अपने बेटे की फोटो लेके जब इस सिस्टर ने अपने बेटे लिए प्रार्थना कराई जब कुदारे दास ने बशी ने जब इस सिस्टर दे बेटे दे फोटो दुते ले हैंड प्रार्थना की थी और उस टाइम इस सिस्टर दस ने कि मेरी बॉडी दे विच हल्कापन आया उस तो बाद अगले दिन ही इन्हां दे बेटे नु काम मिल चुका और पूरे 1 हफ्ते तो काम कर रहा है इस गवाही तो प्रभु ने छोड़ा ना कर रहे हैं अपनी गवाही लगे ता बेटा अज तो 6 महीने पहला फॉरन गया नहीं तो 6 महीने पहला कतर गया काम काम नहीं मिलिया किन्ने पैसे ला के गया सी 3 लाख रुपए ला के गया सी पहली बार जब आए 6 महीने दे विच उन्हें 1 दिन भी काम नहीं किया चर्च इस टाइम ओके ए ध्यान देना सुनो बड़ी अद्भुत गवाही है कि इस भैन बोला गया सी तुहानू ओके जद ही ओ पेट दे पिछले हफ्ते जद गुजारे दा आया अगले दिन काम बेटा 6 महीने तो वेला सके ते बेटा खा रहे ते पैसे सब अपनी गवाही लगे तुसी अपनी जमीन अपने गहने सब मतलब तुसी गहने पा के गए हो सब कुछ कर मतलब कर्जा चुक के अपने बेटे नू भेजिया सी सोचो जे इन्हों का बेटा वापस आ जाता देखो बाद जाता बेटे का फोन आया उस तो बाद हुण तुहाडा 1 हफ्ते तो तुहाडा बेटा काम कर रहा हुण कोई प्रॉब्लम नहीं कितनी वड्डी गल सब दिन बोलांगे इस सिस्टर का नाम आशु है ये फतेहगढ़ चूड़िया के रहने वाले हैं इस सिस्टर की गवाही दे पति की है इन्हों का पति जो नशे दा केस सी स्मैक दा केस सी जो ए ब्रदर फड़े गए वो पिछले 4 साल से इन्हां दे पति ते स्मैक दा और नशे दा केस चल रहा सी इन्हां दे पति जद फड़े गए और 1.5 महीने तो बाद जब जमानत ते वापस आए पर केस चल रहा सी क्योंकि इन्हां दे पति उत्ते परचा हो चुका सी इन्हां दे पति बार बार तरीका भुगत रहे सी और इन्हों हर महीने बाद जाना पैंदा सी और काफी पैसे खर्च हो जाते सी तक इन्हां दे सोना जो विक चुका सी इन्हां दी जो भी इन्हां दे घर दे विच पैसा सी कोई पैसे दे बरकत नहीं कर्जा चुक चुक के अपने उस केस नू उस तरीका नू भुगत रहे सी इस सिस्टर अपनी गवाही च लगदा दे ने कि मैं घटी दे विच इस जगह ते बीज बोंदी रही और परमेश्वर ने अपने दास दे विचों तो के 1 जनवरी 2023 नू कई नू पापा जी ने घोषणा की थी कि इस साल तुहाडा गवाही दा साल है तुहाडे गरीबी दे विचों तुसी बाहर होवोगे और तुहाडे केस भी हल होणगे और इस सिस्टर एक इस सिस्टर दे कर्जे भी लथन दे जा रहे इस सिस्टर ने अवार्ड अपनी अपने घर दे लिए अपनी फैमिली रिसीव कीते रुकदारे दास दे अवार्ड इन्हां दे घर दे विच पूरे सब तो पहले इन्हां दे घर दे विच बरकत आई इन्हां दे घर दे विच पैसे दे बरकत आई इन्हां दे घर जो सोना सी जो इन्हां कहिंदे चुके सब तो उस तो फ्री होए उस तो बाद 17 जुलाई 2023 नू इन्हां दे पति हुण बड़ी हो चुके ने नशे तो स्मैक दे नशे तो और कर्जे तो बिल्कुल आजाद हो चुके ने इस गवाही दे लई प्रभु यीशु दा धन्नवाद करदे हां जो तरीक टूट जांदी फिर फड़े जांदे 3 बार केस गए 3 बार अहीं भी बड़े परेशान होए पैसा धेला भी बड़ा अहीं चुक चुका के ब्याज अहीं साल दा 18,000 रुपया देने होने ब्याज ब्याजी पैसे बड़े चुके तुहानू समझ नहीं ही लगदे ते वी लाउणा कितरा पर फिर भी परमेश्वर दे दास ने बोलिया
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਰ ਹੀ ਕਿਵਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀ 2022 ਗੁਬਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾਰੇ ਦਾਸ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੀ ਆਸੂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਬਾਈ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੋਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋਨੇ ਕਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 18 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲੀ। ਓਕੇ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 18 ਤਰੀਕ। ਓਕੇ, 7ਵੇਂ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ, ਤਰੀਕਾਂ ਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੀ।